नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पुलिस व क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय बाइक चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। पुलिस टीम ने दिल्ली समेत कई प्रदेश के कई जिलों से चोरी की गई बाइकों को किया बरामद। पुलिस ने चोरी की 20 बाइक सहित 5 अभियुक्तों को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया खुलासा। यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस व क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम ने आज बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली सहित प्रदेश के कई जिलों से चोरी की गई बाइकों को बरामद करते हुए 5 अभियुक्तों को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिले के बिंदकी कोतवाली व क्राइम ब्रांच के संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को दिल्ली सहित प्रदेश के कई जिलों से चोरी की गई 20 बाइकों को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया। गिरोह के मुख्य सरगना लल्लू सोनकर के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों में कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं इस मामले में एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आज जिले के बिंदकी व क्राइम ब्रांच की टीम ने बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए दिल्ली सहित प्रदेश के कई जिलों से चोरी की 20 बाइकों को बरामद करते हुए 5 अभियुक्तों को देसी बम के साथ गिरफ्तार किया है। गिरोह के मुख्य सरगना लालू सोनकर के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनका हिस्ट्री शीट खोलकर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी काम किया है और बाइक चोर मोटरसाइकिल चोरों के गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 5 बदमाश हैं और इनसे 20 चोरी की बाइक बरामद हुई है, जिसमें से 3 कानपुर की, 1 दिल्ली की और 1 कोतवाली फतेहपुर की ट्रेस भी हो गई है। शेष गाड़ियों को भी हम जल्दी ही ट्रेस कर लेंगे उनके चेसिस और इंजन नंबर से। इसमें लल्लू सोनकर और धर्मवीर शातिर अपराधी हैं, इनके विरुद्ध हम HS की कार्रवाई भी करेंगे और पूरे गैंग के विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करेंगे और गैंग रजिस्ट्रेशन भी इनका हम कराएंगे। ये जनपद की उपलब्धि है। इस पूरी टीम को हमारी तरफ से 15,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। बरामद की हुई मोटरसाइकिल जो है वो जिले के हैं कि बात तो मैंने बता दिया 5।